गाइस हर्षित छोटा हो गया, हेलो बोल लो, पी लो पहले। अच्छा गाइस ये हर्षित का भांजा है। सो रहे हो आप? जीजू भी आज संभाल रहा है इसको। पहली बार कोई बच्चा अच्छा लगा। वरना जीजू भी बच्चों से डरते हैं। गुड्डू आ गए, वो भी है मेरे को। भाई मेरा घर में भी एक डॉगी है, मैं भी उसके कैसे मारूं। सो गाइज अभी मेरे को जाना है, मतलब पूरा फाइट वगैरह ऐसा सा थीम है एंड आई डोंट हैव अ प्रॉपर कपड़े फॉर दैट। सो मैं एक ड्रेस पहन के जाऊंगी क्यूट सी। आई हैव टू ऑप्शन आई गेस, टू या थ्री ऑप्शन आई हैव। उससे पहले मैं मेकअप कर लेती हूँ एंड सुबह तो अभी कुछ नहीं किया, उठी हूँ, खाया पिया है एंड हर्षित आया था, उसको भांजा भी, तो हमने खेला वेला, अभी वो भी गया रेडी होने, मैं भी रेडी हो जाती हूँ। इतनी देर में फटफट से आपको मिलती हूँ मैं रेडी हो। सो गाइस मेकअप तो हो गया है, अब मैं बस अपना ना आउटफिट चेंज कर लेती हूँ। मेकअप तो सुंदर हुआ है। सो गाइस मैं हो चुकी हूँ रेडी एकदम, ठीक है चलते हैं। और अब मुझे कर्ल्स करने खुद से आ गए हैं, अब तो मैं यही करती रहती हूँ। पता नहीं वहाँ खाना मिले ना मिले। ड्रॉप कहाँ गए भी आप? नोएडा का सेक्टर 21 स्टेडियम है, कोई स्टेडियम है ना। मज़ा तो आ रहा है, झूठ क्यों बोलूं, ऐसी सेवा होती है हर्षित जब वो आते हैं, क्या बोलते हैं दामाद जी, बच्चे अलाउड नहीं होने चाहिए। ऐसे खातिरदारी होती है, ये भी क्या है। फनिंग फन ऐसी मैं हर्षित को घर जाके मारूंगी। भाई बहन एक दूसरे की लड़ाई हो जाए कि मेरा चिप्स का पैकेट तूने खाया था, ऐसे ही मैं यूपी को मारती हूँ।
पापा आ गए बचाने यूबी को जब मैं मार रही थी। पापा मुझे समझाते हुए कि मैं तुझे दो पैकेट चिप्स भी लाऊंगी। मैं रो रही, वही वाला खाना था, मुझे वही ला के दो। होश में ये मुझे होश में ला रहे हैं। तो मैंने यूबी को माफ कर दिया। सामने से देखने में इट्स वेरी फन। डॉक्टर भी आए हैं, डॉक्टर चले भी गए। Do it!
पे भी है वैसे पूरा, हमें मजा है। लास्ट में कौन जीता? इंडिया। एंड मजा आ गया, मतलब ना लास्ट का जो पंच था ना, वाली तो लगता है वो टेक नहीं है पर हमारे पंच पंच वाला है, नहीं देखते हैं, बट बहुत अच्छा था, मतलब कुछ न्यू एक्सपीरियंस था। हाँ, और एक और ब्लॉग आ रहा है गाइस, कल भी मैं एक बहुत फनी राइड में जा रही हूँ नेक्स्ट, उसमें सो स्टे ट्यून्ड उसके लिए भी। काफी जो इवेंट इवेंट हो रही है। हाँ, और जो टच वुड, और जो इस इवेंट के जो भी थी ना मैनेजमेंट, वो बहुत अच्छी थी। अंकित अनीश दोनों इतने अच्छे थे ना, बहुत ऐसे लगा। हाँ, मज़ा काफ़ी। और भी इन्फ्लुएंसर्स आ रखे थे, यूट्यूबर्स आ रखे थे, उनसे भी मिले, वो सब भी बहुत अच्छे थे, तो मज़ा आया काफ़ी ज़्यादा। और मेनली उनसे मिले ना आयशा एंड कृष्णा श्रॉफ से, उनका नेचर भी ना बहुत अच्छा, लाइक सेलिब्रिटी वाला कुछ ऐसे एटीट्यूड भी अच्छा लगता है काफ़ी। तो अभी तो हम घर जा रहे, काफ़ी लेट हो गए हैं, 11:30 हो चुके हैं, घर जाके मिलते हैं। चलो 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 चलो, जींस लगे इतनी जोर की, चलो तो जगह तो दो हमें। आओ, देख क्यों देखो मुझे फंसा पड़ा है, उठा भी नहीं जा रहा तू मुझे, यार हमें तो जान दो यार। गाइस मैं घर आ चुकी हूँ, और मेरे ऐसे तोते उड़ जाते हैं गुड्डू के लिए। देखो आप इतने चावल बहुत है, जल्दी दे गुड्डू की, और मेरी सेवा चल रही है, खाना खाऊंगी। लेना और ले लेना। ठीक है, थैंक यू पापा। अरे बेटा, और ये आपका, ये सब ना गंदी चीजें नहीं होती है वैसे, ये रही बात। ठीक है पापा, बड़ों के बैठो डालो। ओके, पानी में रख लूंगी। हाँ, मैंने लड़ी थी ना, पता है, तीन बंदे सीधा हॉस्पिटल चले गए। असली में वैसे? सच में वहाँ से डायरेक्ट खून भी निकला था, एक नकली होता है वो सब, पागल खून निकल गए, असली था हॉस्पिटल भी नकली था। चुप रहे, डॉक्टर भी नकली था।